हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया जीके प्रैक्टिस। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत के सामाजिक आंदोलन, इंडिया सोशल मूवमेंट्स। इनके बारे में जानेंगे, जो पिछले एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। यूपी पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। और जो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे दोस्तों, वो थे शिवदयाल साहब। इन्होंने ही जो है राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। इसके बाद है, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था। एसएससी का क्वेश्चन है। और इस कॉलेज को स्थापित करने वाले थे सैयद अहमद खां। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। पहले पूछा गया था कॉलेज के बारे में और अब पूछा गया एसोसिएशन के बारे में। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी अब्दुल लतीफ ने। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। तो ये सीमित था उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था। इसके बाद आता है, वर्ष 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिससे बाद में 1960 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों, इसकी स्थापना की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। इसके बाद है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना कार्यालय स्थापित किया था। तो ये कार्यालय स्थापित किया था 1882 में अडियार में ये कार्यालय स्थापित किया गया था। इसके बाद है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित था। तो दोस्तों, जो ब्रह्म समाज है वो आधारित था एकेश्वरवाद पर। इसके बाद है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई। तो ये खोली गई थी केशव चंद्र सेन के कारण शाखाएं खोली गई थी। इसके बाद है, थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने को श्रेय किसे है। तो ये श्रेय है श्रीमती एनी बेसेंट को। इसके बाद है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर आएगा। दयानंद सरस्वती ने ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों। इसके बाद है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद है, महाराष्ट्र का सुकरात, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको मालूम होगा। महादेव गोविंद रानाडे, इन्हें ही दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इसके बाद है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे। तो दोस्तों, ये थे शिक्षा, इन्होंने ही जो है ये आंदोलन चलाया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में अमतीय सभा की स्थापना की। तो इस सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये शिक्षा लागू की गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। इसके बाद है, देवबंद आंदोलन से जुड़े इस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उस विद्वान का नाम है अबुल कलाम आजाद। इसके बाद है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। तो इसके नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो, ये इसके नेता थे। इसके बाद है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। तो ये बागडोर संभाली थी रामचंद्र विद्या वागीस ने। तो दोस्तों, आज के इस इंडिया जी के प्रैक्टिस में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस पर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।